जी आए और ये बास। ये देखें अभी टेस्ट करते हैं कैसी बनी है ये। अदरक की, अदरक कड़क टी विद यमिनी हनी है उसके अंदर। आप चाहे तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। वाव जबरदस्त बेहतरीन नंबर वन इस टू कड़क एंड टू नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ अदरक वाली चाय की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाओ द जिंजर टी। चलिए मैं ये पानी रख दिया गया। जिंजर टी मैं आपसे पूछूंगी क्या बेनिफिट होते हैं उसके। देखें जिंजर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हर्ब है जिसके थ्रू आप बॉडी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, सर दर्द के अंदर, जॉइंट पेन के अंदर, इवन लो बैक पेन के अंदर और समटाइम मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लेमेशन हील करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको जैसे आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, जुकाम है, खांसी है, थ्रोट जो है वो वैक्सीन के बाद हुआ है। हाँ आपको तो वैक्सीन के बाद थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ है थ्रोट इन्फेक्शन का, लेकिन बहरहाल आपको अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है या खांसी है या जुकाम है या अंदर सीने के अंदर कोई सांस लेने में मुश्किल हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो आप जिंजर टी बना के पिया करें, स्पेशली कोल्ड सीजन में तो ये रेगुलर होनी चाहिए। और ये इसका क्लिनिंग इफेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको थ्रोट को क्लियर करती है, माउथ को क्लियर करती है। तो ये लें हमने इसके अंदर, ये मैंने पानी डाल के इसमें मैंने जिंजर के थोड़े बड़े पीस हैं और इसके अंदर बहुत सारे जिंजर के पीसेस हमने राउंड कर दिए हैं। इसको थोड़ा पकने दूंगी उसके बाद इसमें मैं पत्ती डालूंगी, टी पाउडर डालूंगी। स्पेसिफिकली जो जॉइंट पेन्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कफ है, स्नीजिंग, इसके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। टी पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप टी बैग्स भी ऐड कर सकते हैं। टी पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसकी जो आग है वो हल्की कर दी है, मीडियम से भी हल्की कर दी है, क्योंकि हम क्योंकि ऑलरेडी गर्म पानी के अंदर जो बहुत ही अच्छी तरह हीट अप हो गया था जो जिंजर, तो जब इसके अंदर हमने टी पाउडर एड ऑन किया तो उसकी आग हल्की कर दी ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर बाहर आए। ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी जो हमारा हीटर है ये इंफ्रारेड टाइप है, तो इसका जो ये स्टोव है इसका ज़बरदस्त हीटिंग आती है, हीटिंग तो इसलिए ये इमीडिएट काम करता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है चाय का। नंबर वन द जिंजर टी, द जिंजर ब्लैक टी। ये देखें कैसे उबल के आई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। कप में निकाल के छान के आप चाहें तो मिल्क वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग विदाउट मिल्क यूज़ करते हैं तो। और इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं यमिनी हनी। ये हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं यमिनी हनी जी है और ये बस। अब इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ गया मोस्ट पॉसिबली। ये देखें अभी टेस्ट करते हैं कैसी बनी है ये। अदरक की, अदरक कड़क टी विद यमिनी हनी उसके अंदर। आप चाहे तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। वाओ जबरदस्त बेहतरीन नंबर वन इस टू कड़क एंड टू नाइस।